हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी, स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस ऑफ द क्लास सिक्स. एंड टुडे वी विल रीड द केस स्टडीज विच इज़ गिवेन इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. यहाँ पर हम एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में है. इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे शॉर्ट में BBBP BBBP वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन जनवरी 2015 एट पानीपत हरियाणा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, और कब की थी? जनवरी 2015 में. और कहाँ की थी? पानीपत हरियाणा में किया था. द प्रोग्राम एड्रेसेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड द वुमेन एम्पावरमेंट इश्यू. इस स्कीम में, इस प्रोग्राम में क्या बताया गया है? इस प्रोग्राम में ये हाईलाइट किया गया है, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि जो गिरती हुई शिशु लिंगानुपात है वो, एंड वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में इस प्रोग्राम में, इस स्कीम में बताया गया है. इट इज़ कम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज, और ये का एक कंबाइंड एफर्ट है, कंबाइंड प्रोग्राम है. कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है? मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ये सारी मिनिस्ट्री मिलकर इस प्रोग्राम को चलाती हैं. द स्कीम इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट इन द वे द सोसाइटी लुक्स एट द गर्ल चाइल्ड. और इस स्कीम में ये चेंजेस लाने के लिए सोचा गया है, कहा गया है कि किस तरह से सोसाइटी हमारी गर्ल चाइल्ड को देखती है और उसे कौन कौन से राइट मिलने चाहिए, इस बात पर इसमें डिस्कशन किया गया है. यहाँ पर दो केस दिए गए हैं इससे रिलेटेड. फर्स्ट इज द सरपंच फ्रॉम बीबीपुर हरियाणा. बीबीपुर हरियाणा के सरपंच हैं. स्टार्टेड अ सेल्फी विद डॉटर इनिशिएटिव, उन्होंने एक पहल, एक शुरुआत की है सेल्फी विद डॉटर, यानी कि अपनी बेटी के साथ एक सेल्फी. आफ्टर दिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अर्ज्ड पीपल टू शेयर दियर सेल्फीज विद डॉटर्स. इसके बाद इसको देखकर, जब उन्होंने अपनी सेल्फी शेयर की अपनी बेटी के साथ जो सरपंच थे, उसे देखकर प्राइम मिनिस्टर ने ये लोगों से आग्रह किया कि वो भी अपनी बेटी के साथ अपनी अपनी सेल्फी शेयर करें. एंड इट बिकेम अ वर्ल्ड वाइड हिट, और पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ. दूसरा केस इसमें बताया गया है, वो भी हरियाणा, वो पंजाब से रिलेटेड है. मनसा डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, ये एक डिस्ट्रिक्ट मनसा है जो कि पंजाब में है, हैज़ लॉन्च द एन इनिशिएटिव कॉल्ड. यहाँ पर भी एक पहल शुरू की गई उड़ान करके, उड़ान सपने दे दुनिया दे रूबरू. यहाँ पर एक उड़ान पहल शुरू की गई अकॉर्डिंग टू दिस इनिशिएटिव. और इस पहल में क्या था, गर्ल्स इन क्लास 6 to 12 हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड वन डे विद अ प्रोफेशनल दे एस्पायर टू बी. यहाँ पर एक मौका दिया जाता है जो गर्ल्स 6 से 12 के बीच में होती हैं, इस ड्यूरेशन में होती हैं, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो गर्ल्स होती हैं, उनको एक एक दिन का मौका दिया जाता है उस प्रोफेशनल के साथ रहने का, जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड के प्रोफेशनल के साथ उन्हें एक दिन स्पेंड करने का मौका मिलेगा. और ऐसा क्यों है? दिस विल हेल्प देम टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट देयर करियर. ऐसा इसलिए कि वो उनके काम को जाने पहचाने और इस तरह से वो अपने करियर को बेटर डायरेक्शन देने में उनको ये हेल्प मिलेगी. अब हम बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की, जो कि गांधी जी से रिलेटेड है. और इसमें क्या बताया गया है, उनकी एक ट्रैवलिंग जर्नी के बारे में बताया गया है. गांधीज एक्सपीरियंस विद अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने अपार्थाइड फेस किया साउथ अफ्रीका में, उसका ये इंसिडेंट यहाँ पर है. अपार्थाइड यानी कि जो कलर डिफरेंस, जो स्किन कलर के बेस पर जो डिफरेंस किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में ये इंसिडेंट दिया गया है. दादा अब्दुल्ला सेड, दादा अब्दुल्ला कहते हैं, मेक अ ट्रिप टू प्रिटोरिया इन द ट्रांसफर टू हेल्प अ क्लाइंट. ट्रांसवाल में प्रिटोरिया है जहाँ पर हमारे क्लाइंट को हेल्प करना है, उसे कुछ ज़रूरत है, तो वहाँ जाने की तैयारी करिए. द इंडियन लेफ्ट फॉर पीटर मैरिट्सबर्ग
और जो इंडियंस होते हैं, जो भी दादा अब्दुल्ला जिन्हें बोलते हैं, वो सब पीटर मैरिट्सबर्ग के लिए रवाना होते हैं। देयर ही बॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट, और वहाँ पर वो लोग जाने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं। एंड वेंट एंड सैट इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, जाते हैं और वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का ही टिकट लिया था। अ यूरोपियन इंटर द कंपार्टमेंट, एक यूरोपियन उस कंपार्टमेंट में आता है। ऑन सीइंग द इंडियन ही कॉल्ड आउट द रेलवे ऑफिशियल्स एंड सेड, जैसे ही वो देखता है, एंटर करता है कंपार्टमेंट में, देखता है कि यहाँ पर इंडियंस बैठे हुए हैं, तो वो जोर से चिल्लाकर रेलवे ऑफिसर्स को बुलाता है और क्या कहता है, रिमूव हिम, कुलीज एंड नॉन वाइट्स आर नॉट परमिटेड इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स। और वो ये कहता है कि इस कंपार्टमेंट में, यानी कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, कुलीज और नॉन वाइट्स यानी कि जो अश्वेत लोग होते हैं, जो कि काले लोग होते हैं, वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आने की उनको परमिशन नहीं है। द इंडियन प्रोड्यूस्ड हिज टिकट बट वॉज फोर्सिबली पुस्ड आउट ऑफ द ट्रेन एंड हिज लगेज वॉज टॉस्ड आउट ऑन द प्लेटफॉर्म। इंडियंस के पास अपने अपने टिकट्स होते हैं, वो दिखाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उस कंपार्टमेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और उनके साथ साथ उनका सामान भी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है। द ट्रेन इज स्टीम्ड अवे और ट्रेन चली जाती है। लेटर दिस मैन रिटर्न टू इंडिया एंड रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और उसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो वो वापस आकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सारा इंसिडेंट भी लिखते हैं और बताते हैं। द कोल्ड वॉज एक्सट्रीमली बिटर, ठंड बहुत ज़्यादा थी। माई ओवर कोट वॉज इन माई लगेज, मेरा ओवर कोट मेरे सामान में ही था। बट आई डिड नॉट डेयर टू आस्क फॉर इट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको मांगने के लिए। लेस्ट आई शुड बी इंसल्टेड अगेन, ये सोचकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि शायद मेरी इंसल्ट दोबारा से की जाए। सो आई सैट एंड शिवर्ड, और इसलिए मैं बैठा रहा और कांपता रहा। थैंक यू।